मैं कीर्ति परोहा 11th बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि जल जीवधारियों के लिए एक बहुत आवश्यक है, इसलिए जल के द्वारा ही जीवधारियों में होने वाली विभिन्न दैनिक क्रियाएं, जैव रासायनिक क्रियाएं और उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती हैं। अतः जल पौधों में किस माध्यम से आता है, जो कि जल अवशोषण के माध्यम से आता है। आज हम जल अवशोषण की क्रिया विधि को समझेंगे। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि एक प्लांट है, उसमें रूट्स, और रूट्स में बहुत छोटे छोटे रूट हेयर पाए जाते हैं। ये जो रूट्स हेयर हैं, ये रूट हेयर के माध्यम से ही जो जल जो है वो जल पौधों में एक ऊतक तंत्र होता है जिसको कहते हैं जाइलम। तो वो संवहन ऊतक जाइलम के माध्यम से ऊपर पत्तियों तक, मतलब उसके ऊपरी सिरे तक जल पहुंच जाता है। तो ये जो क्रिया विधि होती है पौधों द्वारा जल ग्रहण की क्रिया, उसे जल अवशोषण कहते हैं। और अब हम समझेंगे कि जल अवशोषण की क्रिया विधि किस प्रकार संपन्न होती है। तो पौधों में जल अवशोषण की क्रिया जड़ के मूल रोमों के द्वारा होती है, रूट हेयर्स के द्वारा होती है, और दो प्रकार से होती है। पहला हो गया सक्रिय अवशोषण और दूसरा हो गया निष्क्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण की यदि हम बात करें तो जल का जो सक्रिय अवशोषण है वो जड़ की कोशिकाओं में उत्पन्न बलों के कारण होता है, और इसमें कोशिकीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अर्थात इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट होगी, पहला उत्पन्न बल और दूसरा सेल एनर्जी यानी कोशिकीय ऊर्जा जो है। इन दो के माध्यम से सक्रिय अवशोषण की क्रिया विधि संपन्न होती है। अब ये जो अवशोषण है ये भी दो प्रकार का होता है, परासरणी सक्रिय अवशोषण अर्थात ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। जड़ के मूल रोम जो है वो भूमि में क्या होते हैं, मिट्टी के संपर्क में रहते हैं। अब यहाँ पर उनकी क्रिया में कौन सी क्रिया आती है, परासरण। परासरण की क्रिया विधि आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। इस विधि में वो केशिकीय जल भी आप बहुत अच्छे से मालूम है कि जो मिट्टी के अंदर एक कैपिलरी के रूप में जो मृदा के जो कण रहते हैं उनके भीतर जो संसंजन बल के कारण जो एक कैपिलरी जल रहता है उसको केशिकीय जल कहा जाता है, इसका अवशोषण करते हैं। सांद्रता प्रवणता अर्थात जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, अर्थात कहाँ पर सांद्रता अधिक है और कहाँ पर सांद्रता कम है, उसके कारण यह जल परासरण की क्रिया द्वारा कॉर्टेक्स में जाएगा। कॉर्टेक्स के बाद अंतः त्वचा की मार्ग कोशिकाओं से होता हुआ पेरिसाइकल कोशिकाओं को पार करेगा और अंत में प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम में पहुंचता है। जैसे कि हम ये बताएं, यहाँ पर अंत त्वचा एपिडर्मिस हो गई, कॉर्टेक्स वाला भाग हो गया, पेरिसाइकल वाला भाग हो गया। अब जो संवहनी तंत्र है वहां से प्रोटोजाइलम से होते हुए ये मेटाजाइलम तक पहुंच जाता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ रसारोहण के द्वारा क्या होता है, निरंतर जल स्तंभ के रूप में पौधों के ऊपरी भाग तक पहुंचता है। तो ये हो गया सक्रिय अवशोषण में परासरणी सक्रिय अवशोषण, और दूसरा अवशोषण होता है परासरण विहीन सक्रिय अवशोषण। अर्थात इसमें परासरण की भूमिका नहीं, ये परासरण प्रवणता के विपरीत होता है, मतलब तो जो भी परासरण के नियम है उसके विपरीत जाकर के होगा। इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होगा, क्रम के अनुसार कॉर्टेक्स कोशिकाएं श्वसन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करेंगी और सांद्रता प्रवणता के विपरीत भी जल को मिट्टी से खींचती हैं और जाइलम की ओर पंप कर देती हैं। इसमें प्ररोह तंत्र का योगदान नहीं होता। अब हम इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, जड़ की बाह्य त्वचा आ गई, इसके बाद ये रूट हेयर, रूट हेयर से ये पूरा पेरिसाइकल वाला भाग होते हुए अंदर जाएगा, कॉर्टेक्स से होते हुए यहाँ पर संवहनी ऊतक तंत्र में जाएगा जहाँ प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, और इस जाइलम टिश्यू के थ्रू ये पौधे के सबसे ऊपरी भाग तक जल को पहुंचाया जाता है। दूसरा है निष्क्रिय अवशोषण अर्थात पैसिव एब्जॉर्प्शन। यह जल अवशोषण की सबसे सामान्य और तीव्र विधि है, लेकिन शर्त क्या है, इसके लिए मृदा या मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में जल होना आवश्यक है। पौधे के संपूर्ण जल ग्रहण का 98% भाग इसी विधि द्वारा होता है। इसमें जड़ें केवल एक वाहक का कार्य करती हैं। जल अवशोषण हेतु ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इस अवशोषण में पौधे के वायवी भाग में वाष्पोत्सर्जन के कारण एक बल उत्पन्न होता है
जो पत्तियों की मीजोफिल कोशिकाओं में तनाव या अधिक विसरण दाब न्यूनता उत्पन्न करता है। इस तनाव के कारण ही जल पत्तियों की जाइलम कोशिकाओं से मीजोफिल कोशिकाओं में आता है। मीजोफिल कोशिकाओं में उत्पन्न विसरण दाब न्यूनता एवं जाइलम कोशिकाओं में उत्पन्न तनाव के फलस्वरूप जड़ों के मूल रोम मृदा से जल को अवशोषित करते हैं। अब यहाँ पे क्या बता रहा, यहाँ बता रहा कि अलग से एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। तो फिर किस प्रकार होता है, इसको हम जरा समझ लें। सपोज ये एक प्लांट है और यहाँ पर इसकी रूट हेयर्स हैं, सॉइल के नीचे रूट्स हैं, रूट हेयर हैं। अब यहाँ पर, यहाँ से लेकर के मान लीजिए हम पौधे के सबसे ऊपरी भाग, यहाँ इस लीफ की यदि हम बात करें, तो वाष्पोत्सर्जन की जब प्लांट में क्रिया होती है, पानी क्या होता है, भाप बन के यहाँ से पौधे की पत्तियों से और उसके जो वायवीय एरियल पार्ट्स हैं उन सबसे इवेपोरेट होता रहता है। तो यहाँ नीचे तक एक प्रकार का एक तनाव, तनाव पाथ क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। उस बल के कारण स्वतः जल में, जो मिट्टी में जो पानी है वो स्वतः ही जाइलम के थ्रू एक पंप जैसे क्रिया विधि का निर्माण करके ऊपरी पत्तियों तक पहुंचता रहता है। ये सबसे कैसी सामान्य और तीव्र विधि है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में समझ चुके थे। पौधों में जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से कारक हैं जो पौधे में जो वाटर एब्जॉर्प्शन है उसको ज्यादा होएगा या कम होगा या नहीं होगा, ये सारा निर्धारित करते हैं। तो पहला, इसमें सबसे पहला कारण क्या है, प्राप्य मृदा जल, अवेलेबल सॉइल वाटर। सिंपल सी बात है कि पौधों में जल अवशोषण को प्रभावित करने वाला ये प्रमुख कारक है। यदि मृदा में कोशिका जल की पर्याप्त मात्रा होगी तो जल अवशोषण अधिक होगा, अन्यथा नहीं तो कम होगा। दूसरा हो गया सॉइल टेम्परेचर अर्थात मृदा ताप। मृदा का ताप 22-35 डिग्री सेंटीग्रेड यदि होता है तो पौधों द्वारा पर्याप्त जल अवशोषण होता है। यदि मृदा का तापमान कम है तो जल अवशोषण की दर भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाती है, क्योंकि इससे जड़ों की वृद्धि कम हो जाती है तथा उनकी उपापचयी क्रियाएं भी धीमी पड़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जड़ की कोशिका झिल्ली की पारगम्यता भी कम तापमान में कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप भूमि से जड़ों की ओर जल की गति कम हो जाएगी। तीसरा कारण हम देखें मृदा विलयन की सांद्रता। जब मृदा विलयन की सांद्रता, जब मृदा विलयन की सांद्रता जड़ों के मूल रोमों के रिक्तिका रस की सांद्रता से कम होती है तो जल द्वारा जल का अवशोषण अधिक होता है, और यदि इससे विपरीत होता है मतलब कैसा हो जाएगी, सांद्रता ज्यादा हो जाएगी तो जल अवशोषण की दर जो है वो कम हो जाएगी। चौथा है मृदा वायु, सॉइल एयर। अच्छे वातन यानी अगर सॉइल में प्रॉपर एरेशन है तो उसमें मृदा में जल का अवशोषण अधिक होता है, क्योंकि जल का अवशोषण एक जैविक क्रिया है जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत मृदा में यदि वायु की या ऑक्सीजन की कमी होती है तो अवायवी जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे यह मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बनिक अम्ल उत्पन्न करते हैं जो जड़ों के लिए घातक है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम मतलब पौधे उगाते हैं पॉट में तो उसकी निश्चित समय समय मात्रा में क्या करते रहते, गुड़ाई करते रहते, मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं। किसान भी क्या करते हैं, खेतों में जब फसल उगाते हैं तो उसके पहले मिट्टी को बहुत अच्छे से क्या करते हैं, ऊपर नीचे हल के द्वारा चला के आधुनिक विधियों के द्वारा एक सार सम कर लिया जाता है ताकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो बढ़ जाए। फिर है वाष्पोत्सर्जन की दर, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। जब पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है तो जल अवशोषण अधिक होगा, सिंपल सी बात है। यदि वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो जल अवशोषण भी कम होगा। छठवा, जड़ की आंतरिक संरचना, एनाटॉमी ऑफ रूट्स। जब जड़ की कोशिकाओं में स्थूलन अधिक होता है तो अवशोषण की दर घट जाती है। यही कारण है कि जो पुरानी जड़ होती हैं उनमें जल अवशोषण की दर कैसी होती है, कम होती है। तो बच्चों ये था आपका जल अवशोषण। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रसारोहण।